गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे क्या डेट है? आज है 28 अप्रैल। तो आज है 28 अप्रैल, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, और आज वेडनेसडे भी है और आज हम लोगों ने बिस्किट भी खरीदा है, जो कि डेट भी नहीं था बिस्किट खाने का। हाँ, हम लोगों ने अल्टरनेट मतलब दो दिन के बाद फिर बीच में गैप करने का सोचा था, तो मंडे ट्यूजडे आज गैप कर दिया था, बट इन्होंने मेरे लिए खरीदा है। अब तो 8 बजे, इतना ज्यादा गर्मी गर्मी लगता है, क्या? काफी धूप है, बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी भी हो रही है और बाहर का माहौल भी ऐसा ही, कहीं सामने पार्क वगैरह या फिर पार्क वगैरह तो भी सब बंद चल रहा है, कहीं जा ही नहीं सकते। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। हाँ, इस तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियो देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज बन रही है भिंडी, बताओ इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेडी फिंगर। क्या हम तुमको अनपढ़ नजर आते हैं? और यहाँ पे हम लोगों ने दूध भी बॉईल कर लिया है, अब पहले भिंडी काटेंगे और उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रही है चाय। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, हम लोग को ये जुगाड़ लगाना रखना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ लाल वाला चीटी के कारण। हाँ। इतना ज्यादा है लाल चीटी, तुरंत में आता है कि दूध में ये ठेकुआ है, इसमें भिंडी में तक आज सुबह में लगा हुआ था। हम लोगों ने भिंडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पानी प्लेट में करके लगाया है। कप रेडी है, बन गया चाय। हाँ। चलो मैं बंद कर रही हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी वो नीचे गई है पार्सल रिटर्न करने के लिए। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि गर्मी किस तरह से पड़ रहा है। वो जो दिख रहा है वो पूरा ज़मीन पे पानी हुआ करता था, जो कि सारा सूख चुका है, पानी बंजर भूमि बन चुका है, वो सब भी पानी से भरा हुआ रहता था। काफ़ी तेज़ धूप और गर्मी पड़ रहा है इस बार, और अभी तो अप्रैल महीना ही चल रहा है, तो ख़त्म है अप्रैल, बट मई में और ज़्यादा पड़ने वाला है गर्मी अभी। बन गए। हाँ, तो ब्रेकफास्ट आ गया है। सो हम लोगों ने बनाया है पराठा, रोटी और भिंडी का भुजिया। चलिए हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सेटअप लग चुका है, एक नंबर सेल। क्या बेच रही है बेटे? साड़ी। पूरा का पूरा क्या कर दिए तुम? अरे अभी सब सही आएंगे। सही है। हाँ, तो गाइस, अब दोपहर के बज गए 4 और आज और आज काफी लेट हो गया लंच करने में। हाँ। तो अभी जल्दी जल्दी रोटी बनाएगी। हाँ, मैं रोटी बनाऊंगी। और हालांकि सब्जी था जो हम लोगों ने कुछ लिया था, लेकिन कल का था वो भिंडी। हाँ। तो हम लोगों ने उसका भुजिया बना लिया, वो खत्म भी हो गया। हाँ। तो जो बचा 4 पीस, एक था बहुत दिन से रखा हुआ। हाँ। तो आज हम लोग इसे ही तोड़ डालेंगे। और एक प्याज भी मैंने छोटा से काट लिया, तो हम लोग इसी का ऑमलेट बना के और रोटी खाएंगे, खा ले। आज का लंच यही रहेगा। अंडा गया है, प्याज ऐड करेंगे, रोटी बिला गया जी, वो बिला भी रहा है। पता नहीं गैस कब खत्म हो जाएगा। हाँ, गैस भी खत्म हो जाएगा, बट हम लोग को आइडिया ही नहीं है। स्पीड, अरे स्पीड में जैसे मीटिंग में स्पीड ठीक से फेट थोड़ा नहीं, ये बीच वाला कहीं जा ही नहीं रहा है। एंटी क्लॉक वाइज कर दिया, क्लॉक वाइज कर, क्लॉक वाइज कर रहा है, ऐसे मारा एंटी क्लॉक, मैं एंटी क्लॉक में उल्टा पड़ता। एक बार हम भी फेंक देंगे, फेंक
काहे के लिए तुमसे नहीं फटा है बेटी मैंने सिर्फ अभी पकड़ो ना खाते दिखाना है ये स्टाइल खाने का तरीका बाप रे एकदम लगता है बनाते थे का किसी जन्म में हम अपने घर पे भी बनाए वो हम भी बनाए लेकिन हम इतना प्रोफेशनल नहीं है भाई खाने पहनने में प्रोफेशनल ही होना चाहिए अरे बस बस कैसे है ऑमलेट 900 रुपये सो ये रेडी हो गया ऑमलेट नंबर 1 अंडा का सबसे बेस्ट रेसिपी है आई लव ऑमलेट चलो अब दूसरा वाला हम करेंगे ये तोड़ देगी तुम नहीं तोड़ेंगे रुको ना रुको रुको हमको करने दो अब आ गई सेफ अटेंशन जी टेंट्रेंट टेंट ना कुछ है टेंट ना ये बस तरीका है मेकअप नहीं करना इसको पलटा जाता है पलटते हैं अभी देख रहे थे बाहर रुको टूटेगा तो टूटेगा टूटेगा तो तुम ही खाना टूटा हो बाह ममोर चम्मच दीदी वैसे हमको थोड़ा गीला ही पसंद है बंद कर दो बंद कर दो तो ये बंद कर दो बन गया हाँ। चलो खाने रोटी भी तैयार ऑमलेट भी तैयार हम लोग भी तैयार आठ मन तो चलिए हम लोग दिखाते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से डिकोर किया है फिर से हाँ जो जो चीजें ऐड की वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है तो ये रहा पहला फोटो फ्रेम इसमें ये स्कूल में फेयरवेल के टाइम में हाँ ये 10th फेयरवेल की फोटो है मैं कितनी पतली लग रही हूँ जी और यहाँ पे हम लोगों ने दो फोटो लगाई है ये है मेरे बचपन की फोटो यप्स तो मम्मी और गोलू हाँ मेरे भाई भी है। और इसमें है तुम्हारा और यहाँ पे भी कुछ स्कूल की फोटोज हैं और फिर बचपन की फोटोज हैं ये हम लोगों ने यहाँ कर दिया है ये सब मेरी स्कूल की फोटोज हैं घर की फोटोज चाइल्डहुड मेमोरीज हाँ चाइल्डहुड मेमोरीज बंद कर दी फिर नहीं नहीं किए तो तुम थे ये भी फ्रेम बहुत अच्छा है ये फ्रेम हम लोगों ने मीशो से मंगवाया था तो इसे हम लोगों ने अपने मेन गेट के मतलब बाग वाले सामने वाले एरिया में लगा दिया है यहाँ पर और ये और साईं बाबा भी दिखाना है पहले ये सो ये स्वीट होम यहाँ पे मैं हाँ की होल्डर है ये हम लोगों ने लगाया है ये मुझे गिफ्ट मिला था बर्थडे पे और ये है साईं बाबा की फोटो जिसे हम लोगों ने दरवाजे के ठीक सामने लगाया और ये है हमारा वेडिंग गिफ्ट हमारी फ्रेंड ने मैं शादी पे दिया था तो इसे हम लोगों ने यहाँ लगा दिया है बच गया है 5-5 ओके अब यहाँ रूम में आते हैं तो ये है हमारा रूम इसमें हमने किया है सबसे बड़ा डेकोर और वो है ये वॉलपेपर लगाकर हम लोगों ने कलर चेंज कर दिया है अब यहाँ पे रेड रेड दिखेगा आप लोगों और थोड़ा अच्छा और चेंज दिखने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है वरना पूरा रूम जो है वो लाइट शेड का सिर्फ पिंक 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 था तो हम लोगों ने यहाँ चेंजिंग के लिए ये रेड कर दिया है ये है ड्रीम कैचर और ये ड्रीम कैचर भी लगाया है दो यहाँ पे और यहाँ पे ये और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग हमारी फोटो लगाएंगे कहाँ पर यहाँ बल्ब के नीचे हमारी फोटो लगेगी अभी नहीं एक दो महीने के अंदर क्योंकि अभी तो बाहर मार्केट जाना हो नहीं पा रहा और ये भी एक फोटो फ्रेम है बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये भी हमें साथी पे गिफ्ट मिला था तो इसे भी हम लोगों ने यहाँ लगा दिया इसमें भी बाद में फोटो लगेगी हमारी बहुत अच्छा बहुत अच्छा एक और डेकोर बाकी है और वो है यहाँ भगवान के पास अरे तो यहाँ पे भी हम लोगों ने लगा दिया है मीशो से मंगाकर फ्रेम कहते होंगे इसको यहाँ क्या कहते होंगे फोटो फ्रेम ही तो है हाँ तो इसमें कुछ लगा तो नहीं सकते हैं अरे भाई फोटो फ्रेम इस तरह का भी होता है हाँ तो ये सीनरी वगैरह जो भी कह सकते हैं आप लोग फ्लावर्स तो, हाँ फ्लावर्स है तो ये हम लोगों ने लगा दिया है बस इतना ही सो इतने हम लोगों ने डेकोरेशन किए हैं अभी और अब धीरे धीरे और अपडेट करेंगे वैसे अभी हालत बुरी है एक बार इस रूम के दर्शन पूरे तरह से करवा दिए जाए तो ये है यहाँ का नजारा क्योंकि आज हुई है वीडियो शूट तो ये तो होना ही है बहुत अच्छे
वी होप आप लोगों को हमारा डेकोरेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया है तो। और प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ चलिए अब कुछ काम बचे हैं वो हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग लास्ट में जब यहाँ से जाएंगे तब एक छोटी सी वीडियो डाल देंगे। बर्तन धुल रहे हैं, पानी कितना बचा है, तुरंत तो खाली हो जाता है, कितना जल्दी फ्रेश हो जाता है ना। अब तुम बर्तन धो रही हो। हाँ बर्तन धो रहे हैं, फिर ब्लॉग एडिट करेंगे और उसके बाद फिर निकलने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। वी होप आप लोगों को हमारे ब्लॉग वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाँ। शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ बोलना है? नहीं कुछ भी बोलना। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।